नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं सचिन वर्मा और खबरों में आज विवाद हाथरस केस की ही होगी। हाथरस केस के अंदर जिस तरीके से पीड़िता के साथ बर्बरता की गई, उसको लेकर देश अब न्याय की मांग कर रहा है और हर कोई पीड़ित परिवार की ओर से लगातार चिंतित है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता है। यही कारण है कि हर कोई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन उस क्षेत्र के सांसद राजवीर सिंह दिलेर का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें वो वाल्मीकि समाज के नेता से फोन पर बात कर रहे हैं। मसला अब इस बात को लेकर है कि राजवीर सिंह दिलेर ने जो बातें नेताजी से की हैं, उस पर विवाद हो गया है। आपको सुनाने जा रहे हैं राजवीर सिंह दिलेर और वाल्मीकि समाज के नेता के बीच कैसे फोन पर ये बातचीत होती है। समाज की बेटी पे ऐसा अत्याचार हो रहा है वहाँ पे, सर आप क्या कर रहे हो सर, कुछ एक्शन वगैरह लिया है? भैया मैंने कल फैसला हो गया था, तुम अटक रही ऐसे, जो पुलिस वालों ने उन्हें रातों रात जला दिया, अपनी बेटी का मुंह नहीं देखने दिया सर। टीवी देखते हो नहीं देखते हो? देख रहा हूँ सर जी, देख रहा हूँ, न्यूज वाले वही अभी कर रहे हैं। हाँ जी, टीवी में दिखा रहे हैं। हाँ जी, कल लड़की के बाप से बात हो गई, फैसला हो गया कल। मतलब अभी तक तो न्यूज में सर वही बता रहे हैं कि उनको देखने नहीं दिया, वो हल्दी कुमकुम तक नहीं लगाने दिया और पेट्रोल डाल के जला दिया, न्यूज पे ही बता रहे हैं। भैया मेरी बात सुनो, भैया मेरी बात सुनो। हाँ जी, अभी तुम अपनी जगह सही कह रहे हो, दो दिन और दो रात हो गए। मैंने उस लड़की को 25 लाख रुपए दे दिए सर, पैसे की ये तो कल को ऐसा है ना कि और भी कोई 25 लाख रुपए देगा, बोलेगा तुम्हारी बेटी का रेप करके नहीं जला देते हैं, ये तो बात तो वो आ रही है ना सर। ये तो कल को कोई और भी देगा 25 लाख, 50 लाख रुपए दे के हमारी बहन बेटी पे रेप करके। जो सबसे बड़ी बात होती है, उन चार गुनेगारों से बड़े तो आज की तारीख में पुलिस वाले गुनेगार हैं, जो उनकी इन्होंने ऐसा काम किया है। इन्होंने काम करो, मीडिया में उठाओ सर, हम उठा रहे हैं। मैं कुलाबा से बोल रहा हूँ, कुलाबा मुंबई से बोल रहा हूँ, मैं कुलाबा मुंबई से। हाँ जी, कुलाबा से बोल रहे हो। हाँ, उस पीड़ित परिवार को कल फैसला हो गया, बैठे बाप से भाई से सबसे बैठ के नहीं आ। उसको कल पैसे की धनराशि दे दी, एक मकान दे दी, एक नौकरी दी है। लड़की को वापस थोड़ी लेके आ सकते हैं, वो चारों पीड़ित चारों वर्षों के सब अंदर जेल में। ये जो वो तो अंदर है, उन्होंने तो गुनाह किया है। अभी ये पुलिस वालों ने ये किया, ये तो हमको दलितों के ऊपर एक अत्याचार हो गया। पुलिस वालों के लिए कार्रवाई तुम करवा। हाँ तो अब तो हम तो कर ही रहे हैं सर, और करेंगे, हम तो लगे पड़े ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।